students, welcome back in our maths class. In last video, I gave you some homework from exercise 10.3. तो आपका question 3 तक आप सब कुछ complete हो गया होगा. आज हम करेंगे question number 4. What is that? See, the area of a rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. क्या दिया है area? A rectangular garden का जो 50 मीटर लॉन्ग है, मतलब गार्डन की जो लेंथ है ना वो 50 मीटर है. इज 300, मतलब एरिया जो है वो 300 स्क्वायर मीटर है. ये सेंटेंस को आपको पहले अच्छे से समझना होगा. फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो विड्थ मतलब उसकी ब्रेथ, तो फाइंड करनी है उसकी ब्रेथ. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4. Area of a rectangle is equal to L into B. अब यहाँ पे क्या वैल्यू दी है? Here, अब एरिया है दे दिया है कितना 300 is equal to L into B. अब L है ना वो भी दे दिया है, L है 50 into B. इस तरह से हमने उसकी जो वैल्यू दी है वो रखी. Now आपको पता है कि b फाइंड करना हो ना तो 50 को यहाँ नीचे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा. तो 300 अपॉन 50 करेंगे ना तो मिल जाएगा आपका b. सो इसको कट ऑफ करेंगे 5, 6, 30. देयरफॉर b इज इक्वल टू 30. अब 30 क्या, वो खास ध्यान में रखना है जब आंसर लिखो तो क्वेश्चन चेक कर लेने का. मीटर बराबर, सारी चीज़ें मीटर में दी है, एरिया और ब्रेथ मीटर में है तो लेंथ भी, अरे लेंथ मीटर में इसलिए ब्रेथ भी मीटर में आएगी. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. एक प्लॉट है, लैंड का एक प्लॉट है, उसमें टाइल्स लगानी है और वो प्लॉट का मेजरमेंट क्या है, 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है. तो लेंथ एंड ब्रेथ ये दोनों है. एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर. अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हमको पूरे प्लॉट में टाइल्स लगानी है तो हमको पूरे प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा. और एरिया निकालने के बाद एक्चुअली हमको कॉस्ट फाइंड करनी है कि कॉस्ट कितनी होगी, टाइल्स लगाने के पैसे कितने होंगे. वो पैसे हम इसके ऊपर से फाइंड करेंगे कि 100 स्क्वायर मीटर के वो 8 रुपीज़ ले रहा है तो हमको कितने पैसे लगेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया. अब प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी. अब एरिया फाइंड करना है तो हम यहाँ ये दो वैल्यू दिए तो वो दोनों वैल्यू लिखेंगे. क्या वैल्यू है, लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 200 मीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10 और पीछे 1, 2, 3, 4 0 लगा दिए. तो 1, 2, 3, 1, 2, ये हो गए. अब एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर. अब ये हो गया एरिया वो लैंड के प्लॉट का. और कॉस्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज ₹8 per 100 square meter. बराबर, ये रेट है तो हम लिखेंगे, ये तो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी. अब हम क्या करेंगे, हम उसके स्टेप लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए. तो हमको फाइंड करनी है कॉस्ट, रुपीस फाइंड करना है. तो रुपीस को हम यहाँ रखेंगे और एरिया को यहाँ रखेंगे. अब हमारे पास ये चीज़ है, हंड्रेड्स, ये है ना 100, मैंने नंबर में लिखा 100 स्क्वायर मीटर इज ₹2 8.
Therefore, देखो ये स्टेप सीधा लिखना जरूरी है इस तरह से, अगर यहाँ कुछ उल्टा करोगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। अब हमारा एरिया है 1 lakh square meter is to how much rupees, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँ क्या करेंगे, कोई लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क के बदले सीधा ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं तो भी चलता है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ फिर से इनटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये सबसे आगे होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब 0 0 तो दो कट हो गए, बाकी क्या बचा 1000 into 8000 कॉस्ट है इसलिए रुपीज, आ गया आपका आंसर क्लियर, कितना इजी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेबल टॉप मेजर्स 2 meter by 1 meter 50 centimeter। अब यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बोला कि ये लेंथ है ब्रेथ है, उसने डायरेक्ट टेबल टॉप का मेजरमेंट दे दिया, टेबल के ऊपर जो ऐसा वो होता है ना टॉप, तो वो कैसा है 2 मीटर लेंथ होगी और 1 meter एंड 50 centimeter उसकी ब्रेथ होगी। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, फाइंड करना है एरिया। तो रेक्टेंगल हुआ ना, ये लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी। अब एल और बी दिया हुआ है तो वैल्यू रख दो 2 meter into 1 meter 50 centimeter। अब 1 meter 50 centimeter आपको पता है क्या होता है, हमने डेसिमल के चैप्टर में देख लिया है कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके नीचे 100 रखेंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.50, इस तरह से आ जाएगा बराबर, तो 1.50 meter। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको आता है डेसिमल के चैप्टर में सीखा है, 150 into 2 कर दोगे तो 300 हो जाएगा और पीछे दो पॉइंट के बाद दो नंबर काट दोगे मतलब दो जीरो निकल जाएंगे 300 में से तो बाकी बच जाएगा 3, तो ये 3 square meter उसका एरिया आ गया। तो कितना शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो अवर क्वेश्चन 7 इज अ रूम इज 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide। अब रूम का मेजरमेंट दिया है, लेंथ है 4 meter और ब्रेथ है 3 meter 50 centimeter। देखो यहाँ पे था क्वेश्चन 6 में सेम वही है मीटर एंड सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 3.50 meter बराबर, इस तरह से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? Basically ये हमको क्या पूछ रहा है, हमको ये रूम का एरिया ही पूछ रहा है कि ये लेंथ और ये ब्रेथ वाला एक रूम है उसका एरिया। अब how many square meters of carpet, पर वो किस तरह से पूछ रहा है कि वो रूम में हमको एक कारपेट बिछानी है, एकदम वॉल से टच करके रूम में हमको कारपेट बिछानी है, तो वो कारपेट कितनी बड़ी चाहिए, मतलब जितना रूम का एरिया है उतनी बड़ी कारपेट चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। इन दोनों का मेजरमेंट लेके एरिया फाइंड करोगे इसी तरह से जैसे आगे के क्वेश्चंस में हमने किया, तो आपको कारपेट का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क करना है कि ये फाइंड करने के बाद आप लोग लिखोगे कि जो आंसर आएगा वो कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, वो नीचे लिख देने का। चलो क्वेश्चन 8 है अ फ्लोर इज 5 meter long and 4 meter wide। फिर से एक फ्लोर की बात है, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 meter इज लेड ऑन द फ्लोर। अब ये दूसरी कारपेट की बात है लेकिन ये जो कारपेट है ना उसका मेजरमेंट अलग है, कारपेट का मेजरमेंट दे दिया है, रूम का मेजरमेंट मतलब रूम का एरिया निकालोगे 5 into 4 = 20 हो जाएगा, कारपेट का एरिया निकालोगे, कारपेट स्क्वायर है मतलब साइड इंटू साइड मतलब 3 into 3 = 9 हो जाएगा। फिर उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो रूम में हमने कारपेट लगाई उसके बाद रूम में थोड़ी जगह बाकी रह गई, कारपेट थोड़ी छोटी है,
तो ये पूछ रहा है कि कितना एरिया बाकी रह गया। कैसे पता चलेगा? माइनस करोगे। रूम का एरिया जो निकाला 20 माइनस कारपेट का एरिया 9 बराबर मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर एरिया इज नॉट कारपेटेड। इतना फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। इस तरह से आप खुद करोगे, अच्छे से सेंटेंस लिख लिख के, स्टेटमेंट लिख के, बराबर दिमाग चलाओ। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 9। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे भी फ्लावर बेड्स मतलब छोटे छोटे फ्लावर बेड्स, ऐसे जहाँ पे फ्लावर्स उगाते हैं ना वैसा क्यारा बोलते हैं हम, तो ऐसे छोटे छोटे डग किए, खोदे हैं, और कितने हैं 5 ऐसे फ्लावर बेड्स बनाए हैं, और लैंड टोटल लैंड कितनी है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो फ्लावर बेड का एरिया 1 × 1 हो जाएगा क्योंकि साइड इंटू साइड, तो वो 1 स्क्वायर मीटर, और ये पूरी लैंड का एरिया 5 × 4 मतलब हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर या 20 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो ये भी वैसा ही है कारपेट वाला जैसा कि कितने पार्ट में कारपेट नहीं आई, तो यहाँ पे कितने पार्ट में उसने फ्लावर बेड नहीं बनाए, तो वो 5 बराबर, और ये 20, तो 20 में से 5 बन गए, तो 15 आपका आंसर आएगा बराबर। ये आप थोड़े खुद अपना दिमाग चलाना, बड़े भाई बहन की हेल्प लेना, बराबर इस तरह से आप लोग खुद करोगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और फिर भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारी स्कूल खुलेगी है ना 10 दिनों में, तो आप लोग जैसे स्कूल में आओगे तो हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने आप ट्राई ज़रूर करना, तो डिस्कस करने में मज़ा आएगा कि मिस मैंने इस तरह से किया था तो मेरा आंसर ऐसा आया, देखो राइट है। तो आप लोग इस तरह से मुझे होमवर्क बताओगे, डिस्कस करेंगे आप लोग। फिर ये भी है ना 10 वाला भी हो सके तो करना, समझ में आए तो 11 भी ऐसा ही ऑप्शनल है, करना हो तो करना। और 12 वाला भी वैसा ही है, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड। अब ये टाइल्स का मेजरमेंट है, तो कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्स का मेजरमेंट ये है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो ऐसी वाली कितनी टाइल्स चाहिए। तो ये वाले एक रूम में और ये दूसरे रूम में, रूम नहीं ये छोटी सी जगह है, तो टाइल्स का एरिया निकालोगे, फिर ये जगह का एरिया निकालोगे, फिर ये जगह के एरिया में से डिवाइड करोगे टाइल्स का एरिया, तो आपका आंसर आएगा। फिर भी वाला ये वाला एरिया निकालोगे और उसको भी डिवाइड करोगे ये टाइल्स के एरिया से, तो फिर इसका आंसर आएगा। थोड़ा ट्राई करना, मेहनत करना, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो पूरा चैप्टर अच्छे से आपको थोड़ा दिमाग चलाओगे तो रिवाइज हो जाएगा, बाकी तो हम स्कूल में आके डिस्कस करने ही वाले हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ओके। न्यू चैप्टर बाद में नए वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।